हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आई नो कि आप कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे, बट ये एक ट्रेलर है, इसमें अनाउंसमेंट है, बहुत सारी चीजें मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ प्लस बताने वाला हूँ, तो वीडियो को देखना लास्ट तक। हम निकले थे राजस्थान के एक फेमस मंदिर, करौली माता के मंदिर, जो कि हमारे आगरा से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम निकले हैं बाइक से। इस सफ़र को देखना, आपको ये सफ़र पसंद आएगा। अगर सफ़र पसंद ना आए तो आपको जो अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ इस वीडियो के लास्ट में, वो ज़रूर पसंद आएगी। चलिए सफ़र को शुरू करते हैं। जिसको कैला देवी मंदिर के बारे में नहीं पता तो उसको इस वॉइस ओवर के बाद पता चल जाएगा। अगर हम कैला देवी मंदिर के बारे में बात करें तो ये मंदिर राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये मंदिर राजस्थान में लोकल के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पर लाखों करोड़ों हर साल मेले में आते हैं। बाकी अगर कुछ और चीज़ें मैंने छोड़ दी हो तो आप इस वीडियो में देख लीजिए, वो आपको पता चल जाएगा। वो कहते हैं ना कि किसी भी सफ़र को शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसकी तैयारी करना। तो तैयारी करने के लिए हमें चलानी है पूरी रात बाइक, यानी कि मुझे चलानी है पूरी रात बाइक। तो तैयारी के लिए हमने ले लिया है यहाँ पर आलू। आलू मैं ले आया था अपने गांव से ही, क्योंकि हमारे यहाँ खेती खुद की है अपनी, तो मैं आलू ले आया था कट्टा भर के। अब आलू लेते हैं, आलू उबालते हैं, इतने में मम्मी आटा मार लेंगे। आटा मारने के बाद आलू भरकर उसमें हम बनाएंगे गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, और कचौड़ी खाकर फिर निकलेंगे अपने सफ़र पर। तो हम खाते हैं गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और आप देखिए हमारी इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे गर्मा गर्म इन कड़कड़ाली कचौड़ियों को खाने के बाद रोड पर। तो घर से रोड पर तो हम लोग आ चुके हैं और चीज़ों को ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक मैं ना करूँगा नहीं, क्योंकि रात का टाइम है। रात के टाइम में क्या वीडियो मैं दिखाऊँ, क्या चीज़ें दिखाऊँ, वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो लेकिन MG रोड है जिस पर लाइट है पूरे रोड पर, तो वो चीज़ें मैं दिखा सकता हूँ। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो मैं मंदिर पहुँच के, यानी कि कल सुबह आपको दिखाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड वीडियो, क्योंकि दिखाने को तो मैं सारी चीज़ें दिखा भी दूँ लेकिन रात में कुछ दिखाई तो देगा नहीं। यहाँ पर जो है MG रोड पर तो काफ़ी अच्छा खासा उजाला हो रहा है, तो जिस वजह से सारी चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं और आगे की सारी चीज़ें नहीं दिखाई देने वाली है। और मैं चीज़ों को ज़्यादा ड्रामेटिक इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आई एम नॉट अ फेक ब्लॉगर। मैं जिस तरीके के लोग बनाते हैं वीडियोज़, ये हो गया, वो हो गया, रात में ये हो गया, भूत ने काट लिया, ऐसा मेरे साथ में आज तक कहीं हुआ नहीं है। और हम कहने को ओवरनाइट सफ़र करने वाले हैं। जो गांव का रास्ता है, रास्ता जो जाएगा वो कच्चा कच्चा होने वाला है। चलिए देखते हैं। तो मेन हाईवे तो हमारा खैर बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले हमें जो है इन रेड लाइट का सामना करना पड़ेगा, सिग्नल का सामना पड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम निकल पाएंगे। यहाँ पर एक सिग्नल ये आ गया, उसके बाद हरी पर्वत, उसके बाद सैन, अगला क्रॉसिंग आएगी जिसके बारे में आई डोंट नो, मैं नाम भूल गया उसका, उसके बाद हम पहुँच पाएंगे अपने मेन शहर पर। और अगर किसी के अंदर फिर भी चाह हो रोड देखने की तो देख सकते हो, ये है रास्ता जो कि दिखाई नहीं दे रहा होगा बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी बाइक में फोक लाइट मैंने लगवाई नहीं है। मैं जब लद्दाख जाऊंगा तब अपनी बाइक को थोड़ा मॉडिफाई करवाऊंगा। अच्छा मॉडिफाई कराया मेरा। तो अभी करीब 1.5 मिनट पहले मैं ही बोल रहा था कि मैं चीज़ों को ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक करूँगा नहीं, लेकिन मेरी बाइक को ये चीज़ पसंद नहीं, और साथ ही रास्ते को ये बात पसंद नहीं आई बिल्कुल भी, और मेरी बाइक में हो जाता है पंचर। रात में बजे हुए हैं 1:30 और हमें यहाँ चौराहे पर हम लोग आए हैं, और यहाँ पर जो है हमें कुछ भले आदमी मिल जाते हैं जिन्होंने हमसे कहते हैं कि भैया यहाँ पर एक पंचर वाला है जो कि अपने घर में ही सोता है, यानी कि अपनी दुकान में ही सोता है, अपनी दुकान में ही उसने घर है, घर में ही उसकी दुकान है। तो हम जाते हैं उनके पास, उन लोकल को लेकर जो कि यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ में। उनको मैं ज़्यादा मतलब उनको वीडियो में नहीं दिखाना चाहता, उन्होंने मना किया था कि भाई वीडियो में हमें दिखाना, हमें बनाना, तो आपको वीडियो बना लीजिए। तो हमारा जो है पंचर लगवाते हैं इस बाइक में, और रात में, रात का समय था, रात में 12 बजे अगर हम कहीं नहीं जाते तो 100 किलोमीटर तो हम खैर चलाए थे, 100 किलोमीटर हमें और जाना था। अगर हमें ये पंचर वाले भैया नहीं मिलते और रात में हमें कोई भी नहीं मिलता वो तो अच्छा था, हम जैसे तैसे करके चौराहे यानी कि मेन रास्ते तक आ गए। ये सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक होता है अगर आप रात में कभी ड्राइव करते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि शहर के किसी भी शहर के या फिर किसी भी गांव के किसी भी रास्ते पर चल रहे हो आप, उसके मेन चौराहे पर पहुँच जाइए, वहाँ पर कोई ना कोई तो आपको जगता हुआ रात में मिल ही जाएगा, जिस तरह हमें ये मिल गए थे। और उन्होंने ही पंचर वाले की हमें दुकान बताई, और फिर हमने अपना जो है बाइक का पंचर लगवाया। और एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा भली बात लगी हमें राजस्थान के लोगों की, वो ये कि यहाँ पर जो है इनका जो उसका पंचर का प्राइस था जो मतलब 40 रुपये लगते हैं, उन्होंने 40 रुपये ही मांगे, रात का हमसे फ़ायदा नहीं उठाया क्योंकि लोकल आए थे। वैसे अगर कहीं और का मैं बात मान के चलूँ दिल्ली आंसर की, तो वो
पहली चीज़ तो उठता ही नहीं कोई दूसरा बंदा, ठीक है, ये मेरे मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, कोई दूसरा जागता ही नहीं, और जागता भी तो वो ज़्यादा पैसे मांगता है, डबल पैसे मांगता है, लेकिन उन्होंने जितना उनका बनता है 40 रुपये उतने ही उन्होंने लिए, ना ही एक्स्ट्रा लिए मुझसे, ना ही मुझसे कुछ वो कहा कि भैया मैं नहीं करूँगा, लेकिन करा भी उन्होंने, करने के साथ साथ उन्होंने जो इनका बनता था वो उन्होंने लिया। तो हमने पंचर लगवाते हैं, पंचर लगवा के फिर निकलते हैं और अब आपसे मिलेंगे सीधा मंदिर पहुँच कर। हाँ जी, जितना रास्ता मैं दिखा सकता था उतना रास्ता मैंने दिखाने की कोशिश की, पूरी दिखाने की कोशिश की, मैंने दिखाया और देखा किस तरीके का रास्ता है। बाकी जो रास्ता है वो काफ़ी खूबसूरत है जो मैंने अपनी आँखों से देखा, और मैं जो है वापसी रास्ते में दिखाने वाला हूँ। वापसी जब मैं जाऊँगा घर की ओर, यानी कि वापसी हम लोग जब यहाँ से करौली माता के दर्शन करने के बाद हम आगरा जाएंगे, तब उस रास्ते को मैं इस वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ। एंड आपको आई होप पसंद आने वाला है, क्योंकि राजस्थान में, राजस्थान का कहते हैं ना कि ना जाने के दिख जावे, तो के दिख जावे वो आपको इसी वीडियो में पता चल जाए, के दिख जाए आई डोंट नो। ठीक है, मैं रात में सफ़र किया, रात में पूरी रात बाइक चलाई है हमने, अभी बज गए 4:30, हाँ, और केवल 33 किलोमीटर यहाँ से रह गया है। एंड रात में बड़ी दिक्कत सी हो गई है, तो अच्छा हुआ कि पंचर लगाने वाले भैया मिल गए, नहीं तो पंचर नहीं लगता तो रात में हम लोग पूरी रात हमें वहीं काटनी पड़ती चौराहे पर ही, और सुबह पंचर लगता फिर सुबह निकलते, और दोपहर में हम लोगों की जो हालत होती वो मैं वापसी में जब घर पहुंचूंगा, यानी वापसी हम लोग यहाँ से आगरा की तरफ पहुंचेंगे, वो तभी दिख जाएगी आपको इस वीडियो। तो भाई साहब, बज चुके हैं सुबह के 6:30 और हम लोग पहुंच चुके हैं कैला देवी मंदिर पे, और 200 किलोमीटर का सफ़र था, काफ़ी सही रहा, रात भर मैंने किया, रात भर मैंने बाइक चलाई, ठंड लगी इसी वजह से मैंने रात में सोल ओढ़ ली, और अभी क्लिप देखी थी मैंने, शॉर्ट ली थी, लेकिन अब जो है दर्शन करते हैं और अंदर घूम के आते हैं मंदिर। मंदिर तो खैर देखने में अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। पापा बता रहे हैं कि मतलब बिल्कुल जिस तरीके से वहाँ है, क्या बोलते हैं, वैष्णो देवी मंदिर की ये वाइब है, बिल्कुल वही आती है, बस वो थोड़ा पहाड़ों पे है, ठंडे इलाके में, ये गर्म इलाके में है, ये अंतर है। बाकी देखिए भीड़ काफ़ी है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि का महीना चल रहा है और चैत्र नवरात्रि में काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, और मेला लगता है चैत्र नवरात्रि में यहाँ पर हर साल लगता है, ये ऐसा नहीं है कि इस साल लग रहा है, हर साल लगता है, बस मैं ही पहली बार जा रहा हूँ, और यहाँ पर लोकल लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं, आपको बाहर के लोग नहीं मिलेंगे यहाँ पर, ज़्यादातर जो मिलेंगे यार आपको यहाँ पर मथुरा के, आगरा के, फिरोज़ाबाद के, यानी कि आसपास के ज़िलों के आपको लोग यहाँ पर मिल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। और इवन जो है मैंने एक चीज़ और देखी है यहाँ पर, कि यहाँ पर लोग क्रेज़ी काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। और प्रसाद की बात करूँ तो प्रसाद कुछ इस तरीके का मिलता है, ये प्रसाद है हमारे हाथ में, इसमें नारियल है, चुनरी है और चूड़ी बांधी हुई है, ये हमें चढ़ाना है आगे। मैं प्रसाद चढ़ाने की बात कर रहा था, देखिए ये सामने ये जो सारी चीज़ें पड़ी हुई ना, ये सब प्रसाद है, यानी कि जो हमारे हाथ में नारियल और चुनरी लग रही है, सबको इस तरीके से इसमें डाल दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर बरार में हवन कुंड है, ये सभी चीज़ें यानी कि पन्नी अलग हटाकर और इसमें से ये जो नारियल है इसे हवन कुंड में डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से होता है, यानी कि आपको डायरेक्ट आप हवन कुंड में नहीं डाल सकते इस मंदिर में, ये यहाँ का मतलब है ऐसा, यहाँ पर जो है आपको अलग से ही डालना होता है, मंदिर में घुसने से पहले अलग से डालिए, उसके बाद आप मंदिर मंत्र दर्शन करिए, दर्शन करने के बाद बाहर जाइए, उसके बाद यहाँ के जो पुजारी हैं वो इस नारियल का हवन कुंड में डाल रहे हैं, वो मैंने देखा था आगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जो सामने आपने देखा है सब प्रसाद पड़ा हुआ है, और ये कुछ लोग मतलब इस तरीके से प्रसाद को फेंक देते हैं कि पैरों में लगता है ये, और चुनरी पैरों में लगती है, नारियल पैरों में लगता है, इस तरीके से फेंक के चले जाते हैं कुछ लोग, मतलब चढ़ाने की जगह फेंक के चले जाते हैं। बाकी चढ़ाने के लिए आगे जगह बनी हुई है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ऐसे फेंक के चले जाते हैं, और जो पूजा का सामान है उसका उस तरीके से अपमान होता है, पैरों में लगता है वो, और उसका अनादर होता है। एक चीज़ है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी इस मंदिर में आने के बाद, बाकी मैं कई जगह गया हुआ हूँ लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लगी, लेकिन यहाँ पर आके मुझे बहुत बुरी लगी कि यार इस तरीके से प्रसाद को फेंका जा रहा है, बताओ। मैंने भीड़ देखी है लेकिन इतनी क्रेजी भीड़ नहीं देखी आज तक। तो भवन का मेन एंट्रेंस यहाँ से शुरू होती है, और इसी के बराबर में जो आप रेलिंग देख रहे हैं यहीं पे साइड में ही आपको जो है प्रसाद चढ़ाना होगा। अपनी कुछ लोग चुनरी निकाल कर अपनी कुछ मन्नत मांगते हैं, यानी कि मन्नत नहीं, सॉरी क्या मानते हैं, कुछ मन्नत ही बोलूँ, मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं, अल्टरनेट
तो वो मन्नत मांगते हैं, तो वो लोग इस तरीके से चुनरी को बांध देते हैं और उनकी जब दुआ वो पूरी हो जाती है, मन्नत पूरी हो जाती है, उसके बाद वो द्वारा आने की बोलते हैं। बाकी मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, हम तो केवल दर्शन करने के लिए आए थे, हमारा पहली बार मन था। तो हम लोगों ने क्या किया कि प्रसाद चढ़ाया, उसके बाद हम लोग बाहर आए। बाहर आने के बाद मैंने फ़ोटो खींचा पापा का, एंड फिर हमने अपना फ़ोटो खींचा, और फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम लोग निकल चलते हैं यहाँ से बाहर की ओर। अब क्या करेंगे, दर्शन हो चुके हैं हमारे, ये सामने मंदिर है, आप मंदिर देख सकते हैं। और अब देखिए सुबह के 8:30 बज गए हैं, मतलब कि करीब हमें यहाँ पर 1.5 घंटे का टाइम लग गया अंदर परिक्रमा करने के बाद और घूमने के बाद, बाकी ठीक ठाक हो गया जो भी होता था। एंड अब चलते हैं अपने सफ़र की ओर। जो मैं रास्ते की बात कर रहा था वो रास्ता अब दिखाने वाला हूँ मैं आपको। इसके साथ ही मैंने मंदिर से जब मैं बाहर निकला तो मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पर पचौरी होटल और पचौरी रेस्टोरेंट भी मौजूद है। तो आप सभी ने हिमालयन के माउंटेन्स के घर तो देखे होंगे, लेकिन अरावली माउंटेन्स में जो गांव होते हैं छोटे छोटे वो देखे होंगे। देखो ये अरावली माउंटेन है पीछे, और ये नदी आ रही है, और ये घर है, मतलब काइंड ऑफ अरावली में विलेज, राइट। तो जैसे कि हम लोग आए हैं उत्तर प्रदेश से, यानी कि आगरा से आए हैं और राजस्थान में आए हैं, और राजस्थान में अगर अपने वाहन से आ रहे हो ना और पेट्रोल वाला आपका वाहन है, तो मैं बता दूं कि पेट्रोल अपना जो है टंकी, अगर उत्तर प्रदेश से आ रहे हो तो उत्तर प्रदेश में फुल करवा लेना, क्योंकि मैंने जो पेट्रोल डलवाई है उत्तर प्रदेश में वो 196 रुपये लीटर के हिसाब से डलवाई है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ राजस्थान में, तो राजस्थान में जो पेट्रोल का प्राइस है वो 108 रुपये लीटर है, वो है भारत का, HP का और इंडियन का। और अगर वहाँ से डलवाएंगे रिलायंस पेट्रोल पंप से तो 112 रुपये लीटर के हिसाब से पेट्रोल आपको मिलने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर राजस्थान आ रहे हो तो राजस्थान में कंपेरेटिव आगरा या फिर उत्तर प्रदेश के कंपेरिजन में यहाँ पे जो है पेट्रोल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, 2-3 रुपये एक्स्ट्रा ही मिलेगा, 2-3 क्या 12 रुपये का पूरा अंतर पड़ रहा है, कहाँ 96 रुपये और कहाँ 108 रुपये। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर अपना खुद का वाहन ला रहे हो तो पेट्रोल वहीं फुल करा लेना, उत्तर प्रदेश में फुल करा देना, बाकी बॉर्डर पार करने के बाद जो है चल जाएगी टंकी, इतनी तो है, 200 किलोमीटर का अंतर है। क्योंकि तो मेरे सामने जो ये दिखाई दे रहा है ना चीज़, हाँ ये है टोल टैक्स, और ऐसा टोल टैक्स मैंने पहली बार देखा है, वैसे तो दूसरी बार देख रहा हूँ मैं, पहली बार जब जा रहा था तब देखा था, और इसी राज्य का देखा है मैंने। अब बाकी अभी और राज्यों में घूमना है तब पता पड़ेगी कि किस राज्य का टोल टैक्स किस तरीके का, लेकिन मैंने ये वाला राज्य का यानी कि राजस्थान का टोल टैक्स सबसे अजीब पहली बार देखा है, जो कि बना रखा छोटा सा टोल टैक्स और अच्छा लग रहा है देखने में भी। इसके बारे में क्या विचार है कमेंट करके बताइएगा। इस जर्नी में आपको जो है इस तरीके से पुल तो मिल जाएंगे और ये नदी भी मिल जाएगी, लेकिन ये नदी है वो अभी सूख चुकी है क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है, इस चक्कर में ये जो नदियाँ हैं वो बंजर में तब्दील हो चुकी हैं और सूख चुकी है, ठीक है। बाकी पुल देखो कई साल पुराना लग रहा है, वही तो नदियों के नाम भी नहीं डाल रखे, सब सूख गया, पुल भी बहुत पुराना लग रहा वाला रेलवे का, ये बहुत पुराना पुल लग रहा है, देखो दीवारें दरारें खा रही हैं, दीवारें बहुत मजबूत लग रही हैं, बट क्या करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट करके बताना ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी है। एंड साथ ही मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने जो इतना लंबा ब्रेक ले लिया है मैं आगे से नहीं लेने वाला हूं, और इस चैनल पर जो है कंसिस्टेंटली वीडियोस डालनी शुरू करूंगा। तो मैंने 3 साल से इस चैनल पर काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे इतनी ग्रोथ इतनी सक्सेस देखने के लिए नहीं मिली है जितनी मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस चैनल से, बट मैं एक ऐसे प्लान के साथ में आया हूं और एक ऐसी सीरीज़ काइंड ऑफ डालने वाला हूं इस चैनल पर, जिससे देखते हैं ग्रोथ कैसी होगी इस चैनल की। एंड आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो अनाउंसमेंट और सरप्राइज़ ये है आप सभी के लिए कि मैं जो है मेरी जो मैं इस वीडियो के बाद एक नई ट्रिप पे जा रहा हूँ और एक नए टूर के लिए जा रहा हूँ, आपको गैस करना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसी तरीके से हमारी आने वाली अपकमिंग टूर के बारे में जो भी सही गैस कर देगा उसके साथ उसके यानी कि हम अपने सेलेक्ट किया करेंगे, और अपने सब्सक्राइबर के साथ में 1 से 2 सब्सक्राइबर के साथ में हम जो है अपनी आने वाली ट्रिप किया करेंगे, वो फुल्ली मेरी तरफ से रहा करेगी ट्रिप। तो बस आपको क्या करना है, गैस करना है कि मैं बता रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ, उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा, और किसने सही बताया पहले तो वो चीज़ देखनी है कि सही बताई भी है किसी ने नहीं बताई है। तो बस आपको क्या करना है, सिंपल सा एक कमेंट करना है, एक लाइक करना है वीडियो को, और कमेंट में बताना है कि मैं नेक्स्ट ट्रिप कहाँ कर रहा हूँ। इसी तरीके से हमारी आने वाली वीडियोस को भी आपको गैस करना है, केवल आपका गैस का वो रहेगा, जिस तरीके से आजकल
अब बैटिंग ऐप लोग उसमें लगे रहे पड़े हैं, तो हमारे साथ में कर लीजिए, हम तो आपको फुल्ली ट्रैवल करवाएंगे, फुल्ली घुमाएंगे। तो यही था मेरा प्लान और यही मेरी सीरीज़ में इस चैनल पर डालने वाला हूँ, क्योंकि मेरा ये लास्ट साल होने वाला है, उसके बाद जो है मैं अपनी जो मेरी हायर एजुकेशन है उसके लिए फोकस करूँगा। तो ये लास्ट साल है जिस पर मैं चाहता हूँ कि फुल डेडिकेशन के साथ में, फुल इन्वेस्टमेंट के साथ में मैं इस चैनल पर देना चाहता हूँ, अपना 100% एफर्ट डालना चाहता हूँ। ये ट्रिप करूँगा पूरी इंडिया की, पूरा इंडिया एक्सप्लोर करूँगा मैं। एंड बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, आई होप ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ आई होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वालिटी नहीं थी इस वीडियो में, और जितना तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे कि मैं कुछ अच्छा डालूंगा, वो मैंने खैर किया नहीं इस चैनल पे। चलो कोई बात नहीं, आने वाली वीडियोस देख लेना, मिल जाएंगी, अच्छी लगेंगी। एंड कुछ शॉर्ट्स भी अब मैं साथ में मतलब कवर करना शुरू करूँगा, क्योंकि मैंने देखा शॉर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है चैनल की। देखते हैं इस चैनल की ग्रोथ होगी नहीं होगी, हम भी अपना थोड़ा आजमा के देखते हैं, शॉर्ट्स डालेंगे और मिनी व्लॉग्स टाइप के कुछ शॉर्ट्स चैनल पर डालने शुरू करेंगे, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड बस यही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, बस यही कहना चाहेंगे, बाय बाय। फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया, बुरा है जमाना तू चल डकर न कर अगर मगर।